आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघनन, ठीक है। हम आज आपको समझाएंगे कि संघनन क्या होता है और आज आपको बताएंगे कि बारिश कैसे, ठीक है। बारिश तो देखे ना, बादल से पानी टपकता है, बारिश होती है, हम लोग भीगते हैं, कभी कभी तो पत्थर भी गिरते हैं, है नहीं। उन्हें हम लोग आइसक्रीम समझ के खा लेते हैं लेकिन वो मीठे नहीं लगते। आज हम आपको संघनन के बारे में समझाएंगे। देखिए, हमारे पास ये दो प्रकार की बोतल है। एक बोतल से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा सा पानी टपक रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो। और इस बोतल से कोई पानी नहीं टपक रहा है, ठीक है। और इसको ध्यान से पास में ला के थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, इस पर वाटर सा लगा हुआ है, ये इसके नीचे देखेंगे। इसको मैंने यहाँ रखा तो देखो नीचे इसके पानी लग गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर तो इसमें कोई पानी नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि इस पर पानी है। ये बोतल देखिए, ये देखिए टपक रहा है पानी, इस पर पानी है। मैंने इस पर पानी पहले से नहीं लगाया, जो आपको लग रहा है पानी पहले से लगा दिया सबने और उल्लू बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। पानी हमने पहले से नहीं लगाया, दरअसल इसमें बर्फ़ वाला पानी है, यानी कि ठंडा पानी, ठीक है। और इसमें नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर की बोतल पर हम देख रहे हैं कोई भी पानी के कण नहीं दिख रहे, जबकि ठंडी बोतल की है इस पर सिरे पर देख रहे हैं बहुत सारे पानी आ गया है, ठीक है। आज ब्लू है, पानी हो गया, मैं पानी हो गई अलग से कुछ नहीं, ठीक है। देखो तो मेरी बात को समझना अच्छे से, ये ऐसा हुआ क्यों है। देखो बेटा, बात यह है कि जो हवा होती है, हवा में पानी के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो आपको दिखते नहीं, ठीक है। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि अगर रात में कपड़े पड़े रहते हैं तो वो सूखे हुए कपड़े भी गीले हो जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। और उसी तरीके से लोग कहते हैं कि बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में बाहर मत निकलो वरना सर्दी हो जाएगी। ये सर्दी का मतलब क्या है, मतलब हवा के कणों में क्या होती है, नमी होती है। क्या होती है, नमी। नमी का सीधा सा तात्पर्य यह है कि हवा के कणों में पानी के सूक्ष्म कण होते हैं जो कि गैस के रूप में, इसके रूप में गैस के रूप में होते हैं, ठीक है। अब गैस को, गैस का ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, द्रव का सीधा सा मतलब है लिक्विड, यानी कि अगर वो पानी के कण है तो वो पानी में बदल जाएगा। अगर वो गैस है, वाष्प है, वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे, गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हवा में क्या होते हैं, गैस के छोटे छोटे, यानी पानी के छोटे छोटे कण होते हैं गैस के रूप में। हवा में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं किसके रूप में, गैस के रूप में। अब ये बोतल है ठंडी, ये बोतल क्या है, ठंडी। इसके सतह का टेम्परेचर बहुत ही कम है, सतह का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम है। जब वो ठंडी हवा इस बोतल के सतह से टकराती तो वो जो गैस के रूप में पानी है वो पानी ठंडा होता है, मतलब वो गैस ठंडी होती है। और गैस जब ठंडी होती है तो किसमें बदल जाती है, आई बात समझ में। वो लगातार टकराती रहती है और लगातार वो पानी में बदलती रहती है, जिसकी वजह से इसकी दीवार पर पानी आ जाता है, आई बात समझ में। लग गया, और चूंकि इसकी दीवारें गर्म हैं, नॉर्मल हैं, तो इससे चाहे जितनी हवा टकराए कुछ नहीं होगा, वो पानी में बदलेगी। बात समझ में आ गई। तो ये तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग संघनन। क्या कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे, जब गैस को ठंडा किया जाता है, जलवाष्प को ठंडा किया जाता है, या जलवाष्प ठंडी होती है तो वो द्रव में बदल जाती है। कहने का मतलब जब जलवाष्प ठंडी होगी तो पानी में बदल जाएगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया की वजह से बारिश होती है, ठीक। अब बारिश का मैटर समझ लो कैसे होता है। देखो दरअसल हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, अर्थ पर बहुत सारे समुद्र होते हैं, पता है ना आपको, समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा। आप लोग भैंसों को नहलाते हैं, उससे मोटर से पानी सब इधर उधर बहा देते हैं, है कि नहीं, करते हैं, ऐसा भी नहीं करते हैं, हाथ दर्द करने लगे किसी और को पकड़ा देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए भैंस को आप नहला रहे हैं, ठीक, भैंस को नहलाते नहलाते आपने क्या किया, मोटर को चलते हुए छोड़ दिया, पानी वेस्ट जा रहा है सब, तो ये चीज़ गलत है, वैसे ऐसा ना करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तालाब हमारे पास, बहुत सारे समुद्र हैं, सब चीज़ें, यहाँ पर आपके बादल हैं, क्या है, बादल। बताइए बादल क्या होते हैं, बादल क्या होते हैं, बादल धूल और मिट्टी, सॉरी धूल मिट्टी नहीं, बादल जो होते हैं गैसों का धुआं होते हैं,
क्या होते हैं, यहाँ जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, ठीक है, भट्ठों से धुआं निकलता है, वो सब धुआं वहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक, यानी कि वो एक प्रकार के गैस के समूह ही है, समझ लीजिए। यहाँ से बेटा सूर्य की धूप लगती है, जिसकी वजह से ये समुद्र का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब वो गर्म होगा, मैंने बताया था पानी को गर्म करते तो किसमें बदलता है, गैस में, तो ये पानी धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, क्या बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण। अब इस वजह से ये वाष्प बन करके उड़ेगा तो कहाँ जाएगा बेटा, बादल, और बादल क्या है, धुएं के कण है, गैसों के कण है। अब ये जब जलवाष्प जाएगी तो फिर से ये गैस उस वाष्प को अपने अंदर क्या करेगी, सोख लेगी, क्या करेगी, सोख लेगी। ये जो बादल है, गैस के कण है, ये जो धूल है, धुएं के कण है, ये धुआं क्या करेगा, आने वाली जलवाष्प को सोख लेगा अपने अंदर। और फिर ये बादल एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करते हैं, आप लोग देखते भी होंगे, कहते हुए देखो बादल आ रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ऊपर जितना जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता रहता है, ठीक है, वहां पर जब ये बादल ठंडी हवाओं से टकराते हैं, किससे, ठंडी हवाओं से, अगर हवाएं बहुत ज्यादा ठंडी हैं तो ये पूरा का पूरा बादल बर्फ की सिल्ली में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा हिमालय टाइप में बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा। अगर बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब 0 डिग्री से नीचे, अगर 0 डिग्री से नीचे की हवाएं हैं, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं हैं, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, बर्फ में, ठीक। अब बर्फ देखो गैस तो हल्की होती है तो ऊपर ही लटकी रहती है, ठीक है, लेकिन बर्फ तो वजन होती है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ क्या करती है, खींच लेती है। वो बर्फ के महान बड़े बड़े टुकड़े जब नीचे आते हैं तो आपस में टकराते हुए नीचे आते हैं, और वो बड़े बड़े पहाड़ जैसे टुकड़े जब नीचे आते हैं तो टकराते हैं, और टकराते टकराते वो इतने इतने पत्थर रह जाते हैं, पिघलते हुए टकराते हुए नीचे आते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि ओले गिरने लगे, पत्थर गिरने लगे, आई बात समझ में। और अगर मान लीजिए ये हवाएं 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ठंडी हवाएं, जैसे मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस की ये हवाएं हैं, ठीक है, बहुत ही कम डिग्री सेल्सियस, बल्कि 0 से ऊपर होना चाहिए। अगर 0 से ऊपर की ये हवाएं हैं और इससे टकराएंगी इन्हीं बादलों से, तो ये जो गैस के कण हैं ये किस में बदल जाएंगे, पानी में बदल जाएंगे। अब आपको पता है पानी भी वजन होता है, तो पानी किधर को आएगा, नीचे पृथ्वी की तरफ गिरेगा। वो जब पृथ्वी पर पानी गिरता है तो हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, आ गया समझ में। नीचे से गैस गई थी, क्या गई थी, वहां बादलों में कौन छुपी हुई थी, गैस। बादल टकराए ठंडी हवा से, गैस ठंडी होकर किसमें बदली, पानी में। कौन सी प्रक्रिया है, संघनन। आया समझ में, यस सर। कोई पूछेगा कि बारिश होने में किन किन चीजों का योगदान है, तो आप बोलेंगे दो क्रियाओं का, पहली क्रिया वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, हाँ वाष्पीकरण बोल सकते हैं, पहली क्रिया वाष्पीकरण और दूसरी क्रिया संघनन। वाष्पीकरण से पानी उड़कर जाता है, देखो ध्यान समझना, वाष्पीकरण से पानी धरती से बादलों तक जाता है और संघनन से बादलों से नीचे आता है। संघनन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी गैस को ठंडा किया जाए तो वह क्या बन जाए, पानी में कन्वर्ट हो जाए। आई बात समझ में, तो आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया, यहाँ पर देखेंगे ये पानी पानी हो गई, बोतल पूरी क्या हो गई, पानी 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 हो गई, ठीक है। ये देखो सब पानी गिर रहा है इससे, हाँ ये देखो, अगर कोई नहा के ना आया हो तो नहा सकता है, इसके नीचे ये सावर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी बर्फ अभी भी है। तुम्हारे घर में फ्रिज है क्या, डबल फ्रिज है, एक हमको दे दो।